सो लास्ट क्लास जो डिस्कस किया था हम लोगों ने उसी क्लास पर हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास को जो डिस्कस किया गया था हम लोग उसी क्लास से फिर कंटिन्यू करेंगे एंड सिमिलर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। लास्ट क्लास जो किया था ना उसी तरीके से। रणवीर आज अपलोड कर दूंगा मैं सारे वीडियोस बिकॉज कई दिनों से ये अपलोडेड नहीं है बट आज ही हो जाएंगे। ठीक है देखो ये लास्ट क्लास के सिमिलर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर लाइक एक ब्लॉक है हमारे पास और एक और ब्लॉक है, दो ब्लॉक हमने लिए ऐसे साइड बाय साइड जानबूझ करके, उनके डिफरेंट शेप ले रहा हूँ मैं। देखो और इसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इस तरफ से लगा रहे हैं, मतलब मान लो लेफ्ट साइड से आप राइट साइड की तरफ फोर्स लगा रहे हो। दिस इज फर्स्ट केस। जो अमाउंट ऑफ फोर्स है उसके बारे में भी कहा गया है कि अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पर 20 न्यूटन का है। पहला वाला ब्लॉक 6 किलोग्राम का है, दूसरा वाला ब्लॉक 4 किलोग्राम का है, इस तरीके से है। ठीक है, इसको आप कोई ए नाम दे दो, ब्लॉक नंबर ए है और ये ब्लॉक नंबर बी है। सो सेम क्वेश्चन है, हाउ मच इज द एक्सेलरेशन, वो भी निकालना आपको। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितना होगा एंड देन सेकंड पार्ट यू हैव टू फाइंड आउट जो फोर्स ए और बी के बीच में लगेगा, दैट मींस हाउ मच विल बी द पुश बाय ए ऑन बी, ये कितना होगा। ये दो क्वेश्चन हैं आपके, ट्राई कर सकते हो क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले भी किए हैं। और दे आप अपना आंसर दें, मैं बता रहा हूं मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे यहां पर, देखो मैं बता दूं आपसे मैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा। अब अपने आंसर दे, मैं देख रहा हूँ एक मिनट है ना, अपना आंसर आप निकालते रहो, मैं इसको चेक कर रहा हूँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है ना। आप अपना आंसर देते रहिए, मैं चेक कर रहा हूँ आपके आंसर्स को। सर आपकी वीडियो टू और एट, टू और एट, टू और एट, ठीक है शाबाश, टू और एट, टू एंड एट सही आंसर है। कोई ऐसा है जिसको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, सही आंसर है आप लोग का, सही आंसर है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेकंड पार्ट वाले पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक पुश आएगा एन मारोगे और ए वाले पे उसका लेफ्ट साइड पर नॉर्मल आएगा। तो जब तुम ए वाले ब्लॉक के लिए लिखोगे तो 20 माइनस एन इक्वल टू 6 इंटू ए, और जब बी वाले के लिए लिखोगे तो वो सिर्फ एन होगा इक्वल टू 4 इंटू ए। इनको सॉल्व कर लेंगे तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड नॉर्मल की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली 8 न्यूटन। बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर आएगा इसमें। ठीक है, ये सही आंसर है आपका, जिसका जितने लोग हैं सबका सही आंसर। सर एक डाउट है, बहुत बढ़िया। अब एक काम क्वेश्चन में अगर क्या होगा भाई, हाँ अनिका सही हो चाहे सर, अगर 5 बॉक्सेस होते तो सर ऐसा जरूरी कि नेट फोर्स जो है वो हमेशा 20 माइनस एन होगा, एन माइनस 20 नहीं हो सकता।
ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि सेम क्वेश्चन है बट अभी हम लोगों ने क्या किया ना, चेंज कर दिया इसको. सेम क्वेश्चन है, इसको हमने चेंज कर दिया है और अब हम लोग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं. यहाँ पर फोर्स हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं. ऑब्जेक्ट सेम है आपके, सारे ऑब्जेक्ट सेम है. अभी भी ये 6 किलोग्राम है, अभी भी ये 4 किलोग्राम है, लेकिन हम 20 न्यूटन का फोर्स दूसरी साइड से ला रहे हैं, लेफ्ट साइड सेम मतलब है ना. सेम क्वेश्चन है, ये ए ये बी, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है आपका. क्या आंसर आएगा यार? अभी फर्स्ट पार्ट अगर पूछा जाए कि ए कितना होगा, और सेकंड पार्ट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पुश बाय बी. सर ए तो सेम ही रहेगा. कितना होगा पुश बाय बी ऑन ए, कितना होगा ये बताएं. एक्सेलरेशन सेम होगा सर. सर एक्सेलरेशन सेम होगा. यस सर. और सर वो यस सर नॉर्मल हो जाएगा 12n. सर नॉर्मल 12n हो जाएगा. ठीक है, आंसर सही है आप लोग के. सर पर मेरा एक क्वेश्चन है. गंभीर, वसुंधरा, अनिका, अर्णव, एसएसके, वसुंधरा यादव, वेदिका गुप्ता, अर्णव, सारांश, एसएसके. और आंसर बताओ. कार्तिक गौर आंसर सही है, अनिका यादव का आंसर सही है, अन्य त्रिपाठी का आंसर सही है, आयुषी गुप्ता. आयुषी गुप्ता बच्चा कैसे आंसर लाई तुम? आयुषी गुप्ता जी तुम्हारा आंसर तो सही है इस बार. पौरुष माइनस नहीं होगा उसमें, आंसर में माइनस नहीं होगा. अबिरल पाल सही है, श्रेष्ठ विश्वकर्मा सही है, रणधीर यादव सही है, अंकित मेहरोत्रा, अनंत मणि दुबे जी, अभ्युदय अग्निहोत्री. अभ्युदय ये किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो? अभ्युदय तुमने जो आंसर दिया है, अभ्युदय अग्निहोत्री तुम्हारा जो आंसर है, नॉर्मल की जो वैल्यू तुमने लिखी हुई है. सर सर गलती से पिछले क्वेश्चन चेक करना उसको. मुझे लग रहा है आपने, एक सेकंड, ये मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन का आंसर है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर है? कंफर्म करो सर. गलती से पिछले क्वेश्चन बच्चा. सर एक डाउट है. हाँ हाँ हाँ, इस क्वेश्चन में तो अलग आंसर आएगा. देखिए सर एक डाउट है, इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा नहीं होगा यार कि जो बी है वो ए वाले को लेफ्ट साइड पर पुश करेगा और ए वाला बी को राइट साइड पुश करेगा, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे. यस सर. इसको तुम सर वो फोर्स लगाना, तो जब इसको एन मानोगे, ये वाला एन होगा और ये भी एन होगा, तो जो ब्लॉक नंबर ए है, आयुषी सुनना बच्चा, आयुषी जो ये ब्लॉक नंबर ए है, पे सिर्फ एक नॉर्मल वाला पुश है, तो इस नॉर्मल को इक्वल टू इसका मास 6 किलोग्राम और एक्सेलरेशन ए, एफ इक्वल टू एम ए. लेकिन जब ब्लॉक नंबर बी की बात करोगे तो हमने कहा था ये सैंडविच वाला ब्लॉक है, क्योंकि एक तरफ से कोई पर्सन इसको पुश कर रहा होगा और दूसरी तरफ से ये ब्लॉक पुश कर रहा होगा, तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी वो 20 - n = 4 times a होगा. इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करना होता है. सॉल्व भी करना आपको बताया था कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, तो n प्लस 20 माइनस n और 6a प्लस 4a यहाँ से, तो वो सब सॉल्व होकर के a की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 12 आएगी इसकी. इसमें सर ये जो a वाला बॉक्स है वो अपोजिट रिएक्शन नहीं लगाएगा उस पे? कोई बात नहीं. अभी आयुषी क्लियर हो गया बच्चा?
सर ये जो ए वाला बॉक्स है वो, अच्छा इससे क्या समझ में आ रहा तुमको? देखो दोनों केसेस में ब्लॉक तो एक जैसा ही है, 6 kg 4 kg पहले वाले में भी है और 6 kg 4 kg बाद वाले में भी है। 20 N आपका पहले में भी है, 20 N बाद वाले में भी है। समझ में क्या आ रहा तुमको? कि सर बड़ा इसकी भी डायरेक्शन में आ रहा है, 20 N जो गई है 6 kg ब्लॉक को पुश करेगा, या फिर वो पर्सन 20 N से 4 kg वाले ब्लॉक को पुश करे, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन का आंसर सेम आ रहा। यस सर, पर एक्चुअली में दूसरे केस में दूसरे के केस में कम 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 फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको पुश करने में, मतलब 4 kg वाला जल्दी पुश हो जा रहा है। फर्स्ट फिगर में पर्सन जो है वो 6 kg ब्लॉक को पुश कर रहा है और सेकंड वाले में पर्सन 4 kg ब्लॉक को पुश कर रहा है, बट दोनों को सॉल्व करके तुम्हारा एक्सेलरेशन का आंसर तो सेम आ रहा है। जो एक्सेलरेशन आपका फर्स्ट केस में भी 2 उसकी वैल्यू 2 आई है, सेकंड वाले में भी 2 आई है, लेकिन वो जो 6 kg ब्लॉक है वो 4 kg को 8 N से पुश कर रहा था और दूसरे डायग्राम के अंदर 4 kg ब्लॉक 6 kg वाले ब्लॉक को 12 N से पुश कर रहा। यानी कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा ये चीज बदल जाती है, मतलब 6 kg 4 kg वाले पर पहले वाले फिगर में 8 N और वही 6 kg और 4 kg के जो ब्लॉक्स आप ले रहे हो, देखिए फर्स्ट फिगर में 6 और 4 के बीच, फर्स्ट फिगर में इन द फर्स्ट फिगर जो 6 और 4 आप देख रहे हो ये इनके बीच का फोर्स 8 N का है और दूसरे फिगर में 6 और 4 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 12 N का है। यानी कि ब्लॉक्स आपस में कितना फोर्स लगाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पर्सन कौन से ब्लॉक को पुश करता है, वो आंसर सेम बदल जाएंगे। जो सेकंड फिगर में है सर वो ए रिएक्शन। अब हम लोग कल हमसे किसी ने कहा था कि सर पुलिंग फोर्स का एग्जांपल दे दो एक, कल किसी ने कहा था कि सर पुलिंग फोर्स का एग्जांपल, तो देखिए मैं आपको पुलिंग फोर्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। इस एग्जांपल में हम लोग पुलिंग फोर्स का एग्जांपल लेंगे, पुलिंग फोर्सेस के एग्जांपल, तो इसको चेक करो देखो कैसे आएगा। फर्स्ट ब्लॉक हमने यहाँ पर मान लिया, देन एक हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, दो ब्लॉक्स हो गए। अच्छा पुल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पुल करने के लिए इन दोनों को आपस में पहले तो कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको किसी एक डायरेक्शन में पुल करेंगे, मतलब ये डायग्राम बन रहा हमारा, इस तरीके से हमारा डायग्राम बन रहा। तो इसमें हमने क्या किया, ये ब्लॉक नंबर ए है और ये ब्लॉक नंबर बी है। ब्लॉक नंबर ए पर हमने एक पुलिंग फोर्स लगाई एंड दैट पुलिंग फोर्स इज 20 N। ब्लॉक नंबर ए यहाँ पर 6 kg का ब्लॉक है और ब्लॉक नंबर बी यहाँ पर 4 kg का ब्लॉक है और ये दोनों आपस में किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मतलब ये कनेक्टेड है आपस में स्ट्रिंग के थ्रू। सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि इसको आप टोटली स्मूथ सरफेस मानोगे, फ्रिक्शन लेस मानोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन में ए दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितना होगा और सेकेंड पार्ट जो ये स्ट्रिंग है इसके अंदर कितनी फोर्स डेवलप होगी, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग। अब मैं बताऊं आपको या ट्राई करेंगे? आप ट्राई करना चाहोगे इसको? सर ट्राई करेंगे सर। यस सर ट्राई करेंगे। चलो मैं आपको जस्ट आई विल गिव यू 1 मिनट, ट्राई करो आप, ठीक है फिर मैं बताएंगे। स्ट्रिंग कितनी लंबी है? ट्राई स्ट्रिंग कितनी लंबी है? आप 1 मिनट के लिए ट्राई कर लो एंड देन इसको डिस्कस करते हैं, देखें हो सकता है आप में से कोई किसी का आंसर आ जाए, पॉसिबल है। स्ट्रिंग कितनी लंबी है? फुल एंड पुश दोनों के एग्जांपल्स हैं आपके।
और यही ट्रेन का कंसेप्ट है, ट्रेन का जो इंजन होता है, इंजन ऑफ द ट्रेन, वो अदर कंपार्टमेंट्स को पुल करता है अपने साथ साथ। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रेन पुलिंग फोर्स पे ही है। सारान सुमराव, एक आंसर आपका सही है, फर्स्ट आंसर सही है तुम्हारा। So can you hear us? Karthik, no, I cannot hear you. Sir, can you hear us? Karthik, I cannot hear you. Sir, can you hear us? Paurush Singh. Okay. Paurush Singh. Hello. Hello. Sorry, bachcha. Sir, can you hear us? हेलो अच्छा आयुषी, अभी तक आप बोल रहे थे बट आपकी वॉइस आ नहीं रही है, इसलिए अभी मैंने आपको म्यूट किया है। अभी तक तो आप म्यूट थे भी नहीं। मैं काम करता हूँ, मैं आपको फिर से अनम्यूट करता हूँ, फिर बताना। अभी आप लोग जरा बोलो, है ना, ट्राई करो, जो भी आपको बोलना था। आप लोग बात कर रहे थे भी। हाँ, अभी उधर कुछ मेरे एंड पे ही प्रॉब्लम है, मेरे एंड पे ही प्रॉब्लम है, बिकॉज आप सब कुछ कुछ बोल रहे हैं, बट मेरी वॉइस आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यस सर, मुझे तो आवाज आ रही थी। समझ गया, कुछ प्रॉब्लम है। यस सर, फ्रॉम माय साइड आल्सो। कार्तिक अनम्यूट है बच्चा, कार्तिक सबको अनम्यूटेड है। मेरे ख्याल से कुछ एरर है इस टाइम पर, कुछ एरर है, एवरीवन इज अनम्यूटेड। सर कैन यू हियर मी? Hello. Sir, can you hear us? Can you hear us? Sir, are you there? ये कार्तिक सही है बच्चा, कुछ गड़बड़ दिख रही है, छोड़ो ना। पौरुष गड़बड़ है बच्चा, आंसर वसुंधरा यादव सही नहीं है। SSK, हम यहीं पर हैं बच्चा, यहीं पर हैं, मैं यहीं पर हूँ। हाँ जी वेदिका, आप लोग को मेरी वॉइस तो आ रही है ना? आप लोग मेरी वॉइस सुन पा रहे हो? कार्तिक ठीक है, अभी चलो हम लोग सेकंड वाले मीटिंग में देखते हैं इसको, सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड मीटिंग में इसको भी हम देखते हैं। सुनिएगा, मैं इसको करता हूँ, करता हूँ इसको, देखो, सुनो सुनो, अब मेरे क्वेश्चन सुनो, पहले सुनो क्वेश्चन सुनो। सुनो क्वेश्चन सुनो, कंसेप्ट क्या है कि जब आप इस ब्लॉक ए को पुल करते हो, कंसेप्ट ये है कि जब आप ब्लॉक ए को पुल करोगे ना, बच्चा वेट करो, रणधीर आंसर सही है, वेदिका एक आंसर सही है, एक्सेलरेशन सही है, टेंशन वाला नहीं है। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ बच्चा, सुनो। अच्छा आप सुनो, आप लोग वेट करो, दो मिनट सुनिएगा आप। होता क्या है कि जब आप ब्लॉक ए को पुल करते हो तो ब्लॉक ए फर्दर ब्लॉक बी को पुल करेगा। आप ए वाले को पुल करोगे तो ए वाला बी वाले को पुल करेगा। सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। SSK वेट, वेदिका वेट करो, मैं बता रहा हूं। देखो क्या होता है ना कि जब आप इसको ट्रेन वाले से समझो ना, ट्रेन वाले से, कि सबसे पहले अगर आप ब्लॉक ए को खींचोगे तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी को पुल करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग होती है इसकी वजह से ब्लॉक ए ब्लॉक बी को पुल करता है, यानी कि ये जो मैंने येलो कलर से एरो दिखा रखा है, इसको आप कह सकते हो दिस विल बी अ पुल ऑन बी, इतना पुल बी पर आएगा। बट इसका रिएक्शन भी आएगा, फिर
जो पुल ऑन बी है उसका रिएक्शन भी आएगा। वेदिका अब आंसर सही है तुम्हारा, जो पुल ऑन बी है उसका एक रिएक्शन भी आएगा। कैसा? ब्लॉक ए पर अपोजिट डायरेक्शन में। आप ये स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट याद करो, स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट। स्ट्रिंग का जो नेचर होता है, स्ट्रिंग का नेचर वो अपने से एसोसिएटेड दोनों बॉडीज को पुल करता है, खींचता है। स्ट्रिंग जो होता है वो हमेशा पुलर मानते हैं, इसको खींचने वाला काम करते हैं, पुल करते हो आप इसको। तो ये ब्लॉक बी को भी पुल करेगा और ब्लॉक ए को भी पुल करेगा। अब आप क्या कहोगे, ए इज अंडर टू पुलिंग फोर्सेस। ए इज अंडर टू पुलिंग फोर्सेस, कौन कौन से दो फोर्सेस हैं? 20 न्यूटन राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर अब पुल बाय द स्ट्रिंग, उसको हम कैपिटल टी मानते हैं। स्ट्रिंग के पुल को आप कैपिटल टी मान लो, द पुल बाय स्ट्रिंग इज कैपिटल टी। और ये 20 न्यूटन का जो पुल लगा रहे हो, ये तो कोई पर्सन होगा जो खींचेगा इसको, मतलब कोई पर्सन है जो अपनी तरफ खींचेगा। तो 20 न्यूटन का पुल बाय द पर्सन है, दिस इज बाय पर्सन, बट एट द सेम टाइम कैपिटल टी इज अ पुल बाय द स्ट्रिंग। तो ये दो पुलिंग फोर्सेस आ गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगने लगे, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहां पर अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा 20 माइनस टी, दिस विल बी अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू इसका मास 6 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन ए, फर्स्ट इक्वेशन। जबकि अगर आप बी की बात करोगे, बी की, तो बी इज अंडर वन पुलिंग फोर्स और वो स्ट्रिंग की वजह से है, मतलब जो बी वाला आप ब्लॉक कह रहे हो वो उस पर पुल राइट साइड पर है, उसमें राइट साइड पुल है बाय द स्ट्रिंग और उसको हम कैपिटल टी कह रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, कैपिटल टी इक्वल टू जो इसका मास है 4 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय ए, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा और इससे जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ए इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आएगी एंड कैपिटल टी की वैल्यू 8 न्यूटन, कैपिटल टी इज 8 न्यूटन। तो लॉजिक समझना, जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में देखो, पिछले क्वेश्चन में एक सेकंड दीजिएगा, पहले पिछले क्वेश्चन को देखो। पिछले वाले में क्या था कंसेप्ट, यहां समझो यार, कि जब हम लोग यू, जब आप यू, आप पुश करते हो किसी ब्लॉक को, तो वो ब्लॉक अपने से आगे वाले को पुश करता है, मतलब वो उसके आगे वाले को पुश करेगा। आप ब्लॉक को पुश करो, वो वाला ब्लॉक अगले वाले ब्लॉक को पुश कर देगा। एक चेन रिएक्शन टाइप होती है, चेन जैसी होती है कि आप पहले वाले ब्लॉक को धक्का दो, वो वाला ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक को धक्का देगा, उसके आगे अगर कोई ब्लॉक होगा तो वो उसको धक्का देगा। ऐसे ही यहां पर क्या है कि हम लोग ए वाले को पुल करते हैं, मतलब यू पुल द ब्लॉक ए और ए क्या करेगा, वो पुल करेगा बी को, और बी के पीछे अगर कुछ होगा तो बी उस वाले को पुल करेगा। ऐसे एक दूसरे को खींचते हुए चलते हो, ट्रेन का एग्जांपल यही है। इंजन जो होता है वो पहले वाले डब्बे को खींचता है, फिर पहला डब्बा दूसरे डब्बे को खींचता है, दूसरा डब्बा तीसरे डब्बे को खींचता है, और ये एक चेन रिएक्शन टाइप चलती है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉक ए सैंडविच है, ब्लॉक ए सैंडविच कैसे हो गया, ब्लॉक ए के एक तरफ आप खड़े हो, एक तरफ आप खींच रहे हो और ब्लॉक ए को दूसरी तरफ स्ट्रिंग खींच रही है। तो ब्लॉक ए लेफ्ट साइड भी पुल किया जा रहा है, राइट साइड पर भी पुल कर रहे हो, जिसका पुलिंग फोर्स ज्यादा होगा ब्लॉक ए उसकी डायरेक्शन में चलेगा। तो हम ये मानते हैं कि इस पर्सन का पुलिंग फोर्स ज्यादा है, तो ब्लॉक ए पर्सन वाली डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो
तो पर्सन का पुलिंग फोर्स 20 है, स्ट्रिंग का पुलिंग फोर्स कैपिटल टी है, दोनों में डिफरेंस निकाला 20 माइनस टी का, वो हमारे लिए एफ हो गया। और न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम ए के हिसाब से 20 माइनस टी जो एफ है वो इसका मास 6 किलोग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय ए है। एंड सिमिलरली हमने 4 के जी ब्लॉक के लिए किया हुआ है। हाँ रणधीर जी, बी वाला रिएक्ट कर रहा है, बी वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है? देखो फिर वही बात हो गई, ए वाला बी को खींचेगा और बी वाला ए को खींचेगा, लेकिन ये फिर वही बात है कि कैंसिल नहीं हो सकते, एक्शन रिएक्शन कभी कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि वो सेम बॉडी पर नहीं होते। तो ए वाला बी वाले को राइट साइड की तरफ पुल करेगा और बी वाला ए वाले को लेफ्ट साइड पर पुल करेगा। तो जब आप ब्लॉक ए की बात करोगे, जब आप एफ इक्वल टू एम ए लिखोगे, एफ इक्वल टू एम ए, और वो सिर्फ ब्लॉक ए को, ब्लॉक नंबर ए की बात करी जा रही है, तो हम सिर्फ ब्लॉक ए की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, श्रेष्ठ विश्वकर्मा, यस वी कैन से दीज टू बॉडीज आर कनेक्टेड। अनंत, एक्सेलरेशन विल बी कॉन्स्टेंट? यस इट विल बी कॉन्स्टेंट। रणधीर जी देखो, फिर मैं समझा दूं कि ए और बी दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, ए वाला बी को खींचेगा, बी वाला ए को खींचेगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा। और आप जब एफ इक्वल टू एम ए लगाओगे तो उसमें कौन सा पुलिंग फोर्स देखना है? ए बी वाले पर जो फोर्स लगा रहा वो हमारे बी वाले की इक्वेशन में काम करेगा। एक और एग्जांपल देखना, अच्छा रुको रणधीर जी एक सेकंड रुको, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तो तुमको सब बेटर वे में समझ में आएगा। नहीं अनंत मणि जी, इन 10,000 ब्लॉक्स द एक्सेलरेशन विल बी कॉन्स्टेंट, ऐसा नहीं है। सुनो पौरुष सिंह, ये बताओ ज्यादा फोर्स कौन सी होगी? पौरुष सिंह जी पिछले क्वेश्चन में ये बताओ ज्यादा फोर्स कौन सी होगी? मैं एक बार आता हूँ बैक वाले पेज पे आता हूँ मैं, है ना, मैं इसको एक बार बैक वाले पेज पे आ रहा हूँ, रुक जाओ। ये बताओ प्रैक्टिकल बात करना, प्रैक्टिकल बात करना। घर में आपने कभी कई बार ऐसा किया होगा कि आप जो है वो धक्का दे रहे हो, तो कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी बॉक्स को पुश करो और जिस डायरेक्शन में आप पुश करते हो, क्या कभी ऐसा होता है कि ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे? क्या ऐसा कभी हुआ है आज तक कि अगर आप दो बॉक्सेस को पुश करो तो जिधर आप धक्का दो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर जाए? कभी ऐसा हुआ है आज तक? अगर हुआ है तो आप बताएं मुझे कि क्या कभी ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है इस तरीके से? नहीं हुआ। तो इसका मतलब ज्यादा फोर्स कौन सी है? जो आप धक्का लगा रहे हो वो फोर्स ज्यादा है कि जो आगे वाला ब्लॉक बैकवर्ड पुश कर रहा है वो ज्यादा है? कौन सा फोर्स ज्यादा है? आप 6 केजी ब्लॉक को 20 न्यूटन से पुश करते हो और 4 केजी वाला उस 6 केजी वाले ब्लॉक को पीछे की तरफ नॉर्मल से पुश करता है, ज्यादा कौन सा है? तो फोर्स बाय एस। तो हम किसमें से किसको माइनस करेंगे, 20 में से एन को माइनस करेंगे कि एन में से 20 को माइनस करें? प्रैक्टिकली जो फोर्स ज्यादा है वो देख लो आप, 20 माइनस एन। पौरुष क्लियर हो गया? पौरुष क्लियर हो गया ये चीज, है ना? पौरुष क्लियर हुआ या और जिसका भी डाउट था, क्लियर हुआ आप लोग को? अब यही काम आप, सेम चीज आप अगले वाले क्वेश्चन में कर रहे हो, सेम कंसेप्ट यहां लगा रहे हो। इसमें बस ये कर रहे हो कि बॉडीज एक दूसरे को पुश करने की बजाय एक दूसरे को पुल कर रही हैं, ये इतना ही फर्क है। इतना ही फर्क है, कोई नया फर्क नहीं है। तो बस इतना फर्क है कि जो ब्लॉक ए है, देखिए ब्लॉक ए, सुन लो बच्चा इसको, तो यही कंसेप्ट है ब्लॉक नंबर ए, इसमें दो दो पुलिंग फोर्स क्यों है?
इसमें दो पुल क्यों लग रहे हैं आपको? एक आप पुल कर रहे हो और एक जिससे वो बधा हुआ है, जिससे वो बधा हुआ है उससे भी तो पुल हो रहा है, मतलब बी से। तो ब्लॉक ए को आप भी पुल कर रहे हो, ब्लॉक ए को बी वाला पीछे की तरफ पुल कर रहा, बट ये हम मान के चलेंगे कि हमारा पुल स्ट्रॉन्गर होगा, तो 20 माइनस टी कर दिया हमने, ये हम मान के चल रहे कि हमारा पुल स्ट्रॉन्गर होगा। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। नहीं रणधीर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक्सपेंड नहीं हो सकती है, स्ट्रिंग कैन नॉट एक्सपेंड। स्ट्रिंग धागा है, धागा धागा टूट जाता है लेकिन धागे की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। 1 मीटर का स्ट्रिंग 1 मीटर का ही रहेगा अपनी पूरी लाइफ में, इट वो एक्सपेंड नहीं हो सकती। और किसी का डाउट है जल्दी बताओ, क्योंकि अगला एग्जांपल भी लेना है मुझे, पुलिंग वाले का और एग्जांपल लेना है। हाँ अनंत मुनि, रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड अलग एग्जांपल है यार, रबर बैंड अलग एग्जांपल है, ये स्ट्रिंग का एग्जांपल है। आप देख लो यहाँ तक का पॉइंट, अगर अभी किसी को डाउट है कि पुलिंग वाले क्वेश्चन भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे आपने नॉर्मल पुशिंग वाले क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि आप इसमें क्लियर करोगे तो हम। अंकित मेहरोत्रा सर, इफ वी सी फ्रॉम एक्शन एंड रिएक्शन वी आर पुलिंग द बॉक्स एंड इट इज पुशिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स अदर डायरेक्शन। यस अंकित, कह सकते हो इसको इस तरीके से कह सकते हो, बट इट इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। आप ठीक है कह दो, बट ये राइट स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन लॉ जो होते हैं ना, वो देखो अंकित मेहरोत्रा, जो तुमने लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो। पुलिंग फोर्स का रिएक्शन भी पुलिंग होगा और पुश का रिएक्शन पुश होगा, मतलब ये अपोजिट नहीं हो सकता कि आप पुलिंग फोर्स लगाओगे तो रिएक्शन जो होगा उसका वो पुश के फॉर्म में नहीं हो सकता, कभी नेचर नहीं बदल सकता, पुल का रिएक्शन पुल ही होगा। तो अंकित जो आपने लिखा है उस स्टेटमेंट को समझने के लिए तो ठीक है, माइंड मेकअप करने के लिए ठीक है, बट उसको मतलब ऑन पेपर लिखने में गलती है। ऑन पेपर अगर आप ये लिखोगे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट मान लिया जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये समझ आ रहा क्यों? यस आयुषी, वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। हाँ आपका स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए हम लोग रीकंटिन्यू करेंगे, भाई रीज्वाइन करते हैं फिर आपको देखते हैं इसमें, है ना, रीज्वाइन कर लो फिर हम लोग देखते हैं इसको। अविरल रीज्वाइन करो फिर आपका डाउट लेते हैं, ठीक है।